हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेट उठा। कल बहुत ज़्यादा देर से सोया था तो इस वजह से लेट उठा। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो आज तो लंच बन नहीं रहा, कुछ स्पेशल बनने वाला है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में क्या स्पेशल बन रहा है। तो अभी तो नीचे उतर नहीं सकता क्योंकि अभी वो तो हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब कोई बिस्तर से उतर नहीं सकता, जो जहाँ है वहीं रहो। तो वो मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है अभी, किसी की भी हिम्मत नहीं है नीचे उतरने की। शोभित मम्मी का है, ये भी पैर ऊपर करके बैठा हुआ है। तो गाइज आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि क्या चल रहा है घर में। अभी यहाँ से निकलेंगी सामने से। इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही है, कोई ना सुनती होगी, कभी इनकी कभी उनकी, इनकी कहानी है। इतनी लड़ाई हो रही थी ये, देख सकते हैं आप, अरे क्योंकि जरूर अभी ना पूरे घर में पोछा लग रहा है तो इस वजह से कोई नीचे नहीं उतर रहा डर के मारे। ये तो सामने वाइपर रखा हुआ है, सीधा सर पे पड़ेगा। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, शोभित को भी भगा दिया अंदर। क्या हुआ? तो अभी हुआ ऐसा ना, बाहर पोछा लग रहा था, शोभित वहां चलने में लगा हुआ है तो इसका ये आ गया अपना सारा सामान लेके अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, तू ट्राई करके देख लो। क्यों मुझे ट्राई नहीं करना। अभी बहुत अच्छी बात हो, बैठा हूँ अपने बिस्तर में, शोभित अभी पढ़ाई कर रहा है अपनी बाहर। अभी तक तो अभी बाहर कर रहा था, बाहर से भगा दिया वापस अंदर, अब यहाँ आके मेरे पास बैठा, अब यहाँ पिटेगा ये। तो गाइस आज ऐसा कुछ एक स्पेशल बन रहा है और देखो अभी दिखाऊंगा आपको क्या स्पेशल बन रहा है, पर उसमें भी साला काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था बैठा बैठा प्लेट हाथ में आ जाएगी, जाके लहसुन छीलने। तो गाइस जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आज कुछ सरप्राइज़ है, आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। बाकी अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, किचन में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या बन रहा है आज स्पेशल। वही जैसे कि मैं किचन में आ चुका हूँ अभी, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है सरप्राइज ही, वो लास्ट में मैं बताऊँगा कि क्या बन रहा है, तब तक आप लोग गैस करो। ये क्या है? पनीर, तो यहाँ पर पनीर है और पनीर कद्दूकस किया हुआ है, प्याज है और धनिया है, और ये यहाँ पे मैदा गूंद के रख दिया है। तो वीडियो में बने रहिए, आगे इंटरेस्टिंग बनने वाला है कुछ न कुछ। तो जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है मैं दिखाता हूँ, तब तक उसके कैसे कैसे प्रोसेस हैं वो आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो गाइस किचन में तो लंच की तैयारी चल रही है, बाकी मैं शोभित को दिखाता हूँ शोभित क्या कर रहा है। ये यहाँ बैठा क्या कर रहा है? लगाया भाई पूरा दिन मैच देखते रहता है, और कुछ काम नहीं है तेरे को? और कोई काम नहीं है? पढ़ाई कर ली? तो गाइस आज बन रहे हैं मोमोस, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे करके बन रहे हैं। ये अभी इसकी स्टफिंग हो रही है, वाह शानदार। ओए होए 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 होए, रेडी हो गया है तो। स्टीम लेके क्या? तो भाई चलिए थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देता हूँ मोमोज बनाने में, फिर जब बन जाते हैं उसके बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ।
गाइस सीन ऐसा है कुछ है, अब मेरी बारी है ये गोलियों को बेलने की, और उसके बाद बेल के मैं दीदी को पास कर दूंगा, वो उसमें स्टफिंग कर देंगी। स्टफिंग करने के बाद उसको स्टीम के लिए रख देंगी। तो चलिए अपना प्रोसेस मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग भी देखो कैसे कैसे करके बनता है। थोड़ा सा कैमरा एंगल का इशू हो रहा है, मैं करता हूँ एडजस्ट। तो गाइज यहाँ पे मेरे को गोलियाँ तो बना के दे दी हैं, तो मैं अब इसमें इसको थोड़ा सा इसमें मैदा लगा के इसको ऐसे बेल देता हूँ। इसमें ज़्यादा बड़े तो बेलने नहीं पड़ते मोमोज के लिए, तो छोटे छोटे ही बनाने हैं, मतलब जिसमें स्टफिंग हो जाए अच्छे से और मोमोज भी हमारे फटे ना। तो मैं ऐसे पहले 3-4 बना देता हूँ, उसके बाद फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। क्योंकि एक तो दिल्ली में, नोएडा वगैरह में पॉल्यूशन इतना है और बाहर के खाने का भरोसा नहीं रहता, तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि आज हम लोग घर में ही बना लेते हैं। तो सारी प्लानिंग करके बस अब इनमें स्टफिंग करनी है। ये इस तरीके से ये रेडी हो जाती हैं, तो इसमें अभी थोड़ी देर बाद इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग हम बना रहे हैं पनीर मोमोज, तो उसमें हमने ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पनीर, प्याज और धनिया का मिक्सचर, और उसमें मसाले डाले हुए हैं। तो स्टफिंग करने के बाद जो हमारे पास रेडी बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो ये अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो जाएंगे स्टीम के लिए। तो भाई जैसा कि स्टीमर निकाल दिया है, तो स्टीमर इसको धो के इस तरीके से प्रिपेयर कर, इसकी सरफेस पे हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं, ताकि हम जब मोमोज रखें स्टीम के लिए तो वो इसमें चिपके ना, और इसमें छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं वहाँ से स्टीम के थ्रू मोमोज पक जाते हैं। ये तो शायद इडली मेकर भी है ना? तो स्टीम का काम करेगा वो। अच्छा, तो हम लोग इसमें गाइस इडली भी बना सकते हैं और मोमोज भी बना सकते हैं, तो दोनों काम इसमें हो जाते हैं। तो गाइस इसमें हमने अभी मोमोज तो चढ़ा दिए हैं, अब हम इसको 10-15 मिनट स्टीम करेंगे, उसके बाद ही ये खाने लायक हो जाएंगे। और ये इसके नीचे वाले फ्लोर में, फ्लोर ही बोलेंगे ना इसको, नीचे वाले फ्लोर में पानी डाल दिया है, बीच में फिर ये पूरा स्टीमर सेट करके उसमें मोमोज रख दिए और ऊपर से अब ढक्कन मार दिया है। तो 15 मिनट बाद अपने मोमोज रेडी, उसके बाद फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे बने। तो गाइस अभी मोमोज स्टीम हो चुके हैं और ये स्टीमर से निकासे हैं। अब इसमें दूसरी शिफ्ट चढ़ाई जाएगी। तो वो जो हम ऑयल लगा रहे थे ना गाइस, तो ऑयल की वजह से ये चिपकते नहीं है, अगर ऑयल नहीं लगा होता तो ये चिपक जाते और सारे टूट के ख़राब हो जाते हैं। तो अब फटाफट प्लेट में डाल के टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे हो रहे हैं। तो गाइस अपनी प्लेट तो ये रेडी हो गई है, तो फटाफट मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है और टेस्टी, अल्टीमेट। मतलब भाई जो घर के बने हुए मोमोज होते हैं ना, उनका मुकाबला मार्केट वाले से नहीं कर सकता। मस्त, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, पहले मोमोज निपटा लेता हूँ फिर तसल्ली से बात करूँगा। तो गाइस एक प्लेट मोमोज तो मैं निपटा चुका हूँ, और अंदर शोभित भी ले जाके गया है, शोभित से पूछते हैं उसका कैसा है टेस्ट, कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है। चल फिर एक में निपटा देता हूँ। नहीं मम्मा को बताओ। मुझे लगा तो उसमें और आने लगे। क्या चाहिए? मोमोज चाहिए, स्टीम हो रहे हैं अभी, वेट कर। तो गाइस दो प्लेट मोमोज में निपटा चुका हूँ, और तीसरी शिफ्ट के चढ़े हुए हैं गैस में, तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो भी निपटा देंगे, उसमें क्या है। तो भाई जब मैं ना, मेरे को ध्यान है मैं रोहनी जाता था दिल्ली में, तो वहाँ पर मेरा एक कज़िन है, वो और मैं जाते थे, वहाँ पर बनते हैं जगह सेक्टर 24 में, तो वहाँ पर भी हम लोग जब जाते हैं तो मतलब फास्ट फूड, मतलब हम महीने में एक बार ही खाएंगे, पर दबा के खा के आते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, कभी आप लोग जाओ तो ट्राई ज़रूर करना। तो आज के मोमोज का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मिसेज ममता को,
कैसे कैसे करके बनाया आपने? मैंने अभी चटनी खाई है तो मुझे बहुत मिर्च लग रही है। तो मीठा खा लेते कुछ? नहीं तो अभी और खाऊंगी। तो अभी हम तीनों तो खा चुके हैं, पर अभी किसी ने भी ये नहीं बोला कि मेरे को अब नहीं खाना है। अभी सब इंतजार कर रहे हैं जो तीसरी शिफ्ट के स्टीम हो रहे हैं वो खाने के लिए। तो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, फिर निपटाते हैं, फिर बात करते हैं उससे। ठीक है जी? ओके। स्पेशली वीडियो के लिए तैयार होके आई हैं, चश्मा ड्रेसेस वगैरह पहन के। तो ये हाल भाई लेडीज का हर जगह है। तो भाई सीन ऐसा है, अब लास्ट शिफ्ट के बचे हुए हैं, तो देखते हैं कितने हैं, उसके बाद बराबर हिस्सों में बांट के तीनों निपटा देते हैं। जिया जी के लिए नहीं छोड़ने हैं? छोड़ने हैं, चार इसी में रख देते हैं, उसके बाद की काम। भाई तीन शिफ्ट में बना रखे हैं, कम से कम 40-50 मोमोज है, और जिया जी के लिए सिर्फ चार मोमोज छोड़ रखे हैं। बात बता दिए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. तो पूछ के आता हूँ, और खाने तो नहीं है? शुभित और खाने? पेट कोई भी मुल्की से और खाने? नहीं। क्यों? तीन प्लेट मोमोज खाती है। और खा ले, आप खा लो। तो तेरा फाइनल है ना? शोभित का फाइनल है, शोभित को नहीं खाना है अब। बच्चे हम दो ये जीजू के लिए रखते थे। ठीक है। तो गाइस सीन ऐसा है, अब मोमोज इतने ज्यादा खा लिए हैं और पेट हैवी सा हो गया है, तो थोड़ा नींद सी आ रही है। अब थोड़ी देर सोता हूँ, उसके बाद ही फिर उठ के व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल जाके सोते हैं, मिलते हैं आपसे नींद मारने के बाद। नींद को कैसे मारेंगे? बाद में सोना पड़े, एक कप चाय बना दो मेरे लिए, फर्स्ट क्लास भाई। मोमोज के बाद चाय कौन पीता है? यहाँ मैं थक गई हूँ इतने सारे मोमोज बना के, ऐसे गए पता ही नहीं चला। तीन प्लेट मोमोज खा लिया, उसके बाद चाय पिला बोलनी है तो इनके लगा इस फटाफट चाय निपटा बना के निपटाता हूँ। आपने नहीं खाए? चखे, टेस्ट किए। तीन प्लेट मोमोज खाने के बाद कह रही कि मैंने सिर्फ मोमोज चखे, तो और एक प्लेट में कम से कम नहीं भी तो 7 मोमोज आ रहे हैं। वो तुम्हारी प्लेट में आ रहे हैं ना, मैंने तो खाली तुम्हारी प्लेट से एक एक लिए। गाइस ये प्लेट सामने रखी हुई है। अरे कुछ भी खाने का, जब चाय पी रहे ना तो एक अलग ही फील आता है। चाय पहाड़ियों की चाय कोई नहीं छुड़वा सकता है। तो गाइस फटाफट इनके लिए मैं चाय बना देता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। अदरक अदरक को अदरक पर ओके, अदरक और किसी काली मिर्च भी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग सी चाय। वैसे ये चाय बहुत अच्छी बनाता है। अच्छी यार। शोभित ना मोमोज इतने ज्यादा खा लिए हैं तो ना ये बॉडी कंट्रोल करके बैठा हुआ है। जा, जाता क्यों नहीं है? कैमरा ऑन कर दिया तो शर्मा रहा है। जा बंद करो। क्या बंद करो? कैमरा। और खाएगा मोमोज? तीन प्लेट मोमोज खाने वाला ये भी एक बंदा है। साढ़े तीन। अच्छा साढ़े तीन। मैंने दो ही खाए। दो प्लेट मतलब सारे मैंने खाए। तो गाइस मैंने अभी तो चाय बना के दे दी है, और अभी ये शोभित को पढ़ा रही है थोड़ी देर, और मैं जाके थोड़ी देर सोता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया ना तो आलस सा आ रहा है। तो जाते हैं और सीधा थोड़ी देर सोते हैं। तो गाइस दिन में इतना हैवी लंच करने के बाद इतनी ज़बरदस्त नींद आ गई थी तो मैं पूरा 2 घंटे सो गया।
तो अभी अब रात का सीन ये है कि आज तो डिनर तो करूँगा नहीं क्योंकि पेट बहुत हैवी सा हो रहा है और सीधा जाके सोना ही है। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेता हूँ और उसे अपलोडिंग पर लगा देता हूँ और इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप मेरे को बताएं कि मेरे को कैसे कैसे वीडियोस बनानी चाहिए और क्या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और फिर मैं वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।